जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर आफियत से हो? आवाज़ आ रही है? चलो जी, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पीएमएस वाला दिया था वो ओके हो गया, तो समझ आ गई, लेक्चर पसंद आ गया। मैं हमेशा कहता होता हूँ अपनी जो है ना राय जो है वो लाजमी मुझे मुझसे शेयर वगैरह किया करो, ठीक है? राय वगैरह शेयर करते रहा करो या इस पे सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो आप, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के अब हमारे इस तरह से कोई ना कोई, अभी तो ये दो तीन लेक्चर्स हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू उसकी फॉर्म के अंदर ही ऑलमोस्ट डेली हम इसको डिस्कस किया करेंगे अपने लेक्चर्स को, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों का इसमें रेगुलर होना, आप लोगों का फीडबैक देना, ये चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी, ठीक है? इस सेशन को या इस जीके सीरीज को कंटिन्यू करने में आप लोगों का ये जो क्या कहते हैं, आप लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट लाजमी करना है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, आज का जो आपका लेक्चर है वो है जी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का बजट जो आया है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक यूट्यूब के ऊपर, आपको पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो मिलेगी, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको ऑलरेडी देखा है। ये पीडीएफ है, ये आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी हो चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे आया था 2021-22 का, ये जून 2022 के अंदर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज इसी पैटर्न के ऊपर हम आज चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपके आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है? और अगर आज कोई चीज मैंने कंपैरिजन करना हो तो मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ, ये मैंने ओपन की हुई है, ठीक है? इसमें ये लेबर फोर्स ये सारी, ठीक है, ये यूट्यूब पे भी आप, जिनके पास नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे आप जाओगे इस इकोनॉमिक लेक्चर के अंदर तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। आज का जो है, आज का है जी ये हमारे पास बजट। बजट डिस्कस करने के पहले, बजट डिस्कस करने से पहले हमने क्या चीज़ देखनी है? हमने देखना है इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, इकोनॉमिक सर्वे हर बजट से पहले जून के अंदर रिलीज किया जाता है। अब पिछला इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, पिछला इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को आया था, और इसको अगर हम देखें तो ये देखें 8 जून को, 8 जून 2023 को है आपका क्या ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, ठीक है, 8 जून 2023 को। अब यहाँ दो तीन चीज़ें ना आप लोग याद रख लो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे कहेंगे सर ये आपने यहाँ 6.1% लिखी हुई है, आपने सारी ज़िंदगी हमें 5.97 जीडीपी ग्रोथ याद करवाई है, और अब आपने यहाँ आके हमारे साथ धोखा कर दिया और आपने 6.1% जीडीपी ग्रोथ लिख दी। ये तो हम जैसे मासूम बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। दो तीन चीज़ें याद रख लो, जो आपकी जीडीपी होती है, जो आपका इकोनॉमी का साइज़ होता है, जीडीपी ग्रोथ होती है, ये इसकी जो फिगर्स हैं ये एक तो स्टार्ट में एक एस्टीमेट आता है, उसके बाद इसको चेंज किया जाता है, ठीक है? अब लास्ट टाइम जब आपका ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे जब ये आया था तो उसमें जीडीपी ग्रोथ 5.97 बताई गई थी पाकिस्तान की, उसमें क्या बताई गई थी कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 5.97। अब जो आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें बताया गया कि भाई जो 5.97 बताई थी ना वो बेसिकली क्या थी, वो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, वो थी 6.1%। तो आपने ये दोनों याद रख लेनी है कि अगर एग्जाम के अंदर 5.97 या 6% या 6.1% आए तो ये, अब ये इकोनॉमिक सर्वे का है, ये देखिए मैंने 7 इकोनॉमिक सर्वे इस दफा आप लोगों के लिए, ये अगर किसी को चाहिए हो तो ये मुझसे ले सकता है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि ये देखें कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ये पाकिस्तान की जीडीपी ये लिखा हुआ है इधर कि पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ है ये वो टू क्या कहते हैं अल्लाह भला करे, वो नीचे लिखा हुआ है, ये आपको बाद में इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो ये आप लोग वहां से देख लेना, ठीक है? तो ये जीडीपी ग्रोथ जो है 6.1%, अब आप लोगों ने याद रखनी है, 5.97% को भूल जाना है कि अभी इन्होंने जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर इसको डाटा को रिवाइज किया है। ये तो हो गया पुराना। अब हमने देखना है जो हमारा 2022 का साल गुजरा उसके अंदर हमारे पास क्या क्या हुआ। एक तो जो जीडीपी ग्रोथ पहले 5.97 थी या 6% थी या 6.1% थी, उससे जीडीपी ग्रोथ हमारी बढ़ के पाकिस्तान की जीडीपी ने ग्रो किया 0.29%। अब अगले साल के लिए आपने क्या याद रखनी है, अगले साल के लिए आपने याद रखनी है 0.29, क्योंकि
पिछले साल आप सारा याद करते आए 5.97, 5.97, जो कि अभी मैंने आके 6.1% करवा दिया। अब के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो 2022 फाइनेंशियल ईयर का, पता है ना फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, जुलाई 2022 से लेके ये अभी जून 2023 तक जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ है वो है 0.29%। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये चेंज क्यों हुई, अब ये चेंज इसलिए हुए, आप खुद सोचो कि फाइनेंशियल ईयर आपका होता है जून से लेकर जुलाई तक, सॉरी जुलाई से शुरू होता है और अगले साल जून तक खत्म होता है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है ये तो जून के अंदर आ जाता है, तो एक महीना इसके अंदर कंपनसेट नहीं होता। वो एक महीने को जब बाद में कंपनसेट करते हैं तो इसलिए इसके अंदर ये जो 5.97 था तो ये 6.1% हो गया। तो अगले साल भी ऐसे ही होगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई में शुरू होता है नया और जून के अंदर कंप्लीट होता है, लेकिन जून की डेटा जो है वो तो जुलाई में आएगा लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है आपका जून के अंदर, तो इस हवाले से थोड़ा सा मसला आ जाता है। तो पाकिस्तान ने जीडीपी की जो ग्रोथ की है वो इस पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने 0.29 की है। अब पाकिस्तान की जीडीपी का साइज, पाकिस्तान की जीडीपी का साइज है जी 341 बिलियन। पिछली दफा कितना था, आई थिंक 385 समथिंग जीडीपी का साइज, 383 बिलियन, ठीक है। पहले कितना था जी, 383, ये भी रिवाइज हुआ है। अभी उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी 383 बिलियन नहीं थी, 375 थी, लेकिन आप लोगों ने अब नई याद रखनी है, वो क्या है, 341 बिलियन। पाकिस्तान की जीडीपी का जो साइज है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का साइज है वो कंट्रैक्ट हुआ है, वो कम हुआ है, कितना हो गया है, 341 बिलियन, कितना हो गया, 341 बिलियन डॉलर्स। आगे रुपीज भी हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं। इन्फ्लेशन 28.2%, ये एवरेज पूरे साल के अंदर रही है, उसको बताया गया। पर कैपिटा इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट, पर कैपिटा इनकम लास्ट टाइम कितनी थी, 1798 आप कहोगे, लेकिन वही बात कि वो जब डाटा दोबारा रिवाइज किया गया, वो एक महीने को कंपनसेट किया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम जो जीडीपी हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 1765 थी, ठीक है, वो हमारी कितनी थी, 1765, लेकिन अब आप लोगों ने नई याद रखनी है, वो क्या है, 1568। पर कैपिटा इनकम जो है एक पाकिस्तानी की वो क्या हो गई है, कम हो गई है, 1700 समथिंग जो डॉलर थे वो अब 1570 डॉलर या 1500 कुछ जो डॉलर्स हैं वो आपकी पर कैपिटा इनकम भी कम हो गई, ठीक है। अब आपने ये जो 1568 वाला फिगर है इसको याद रखना है, ये जो पिछले वाला फिगर है उसको थोड़ा सा जहन में रखो कि 1700 समथिंग थी, लेकिन अब जो नई आई है, क्योंकि पीपीएससी क्या करता है, वो इस तरह कह देता है 1500 कैपिटा पर, क्या कहते हैं जी, पर कैपिटा इनकम है 1600 है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1500 समथिंग है या 1550 के अराउंड है, इस तरह से फिगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपने याद रख लेना है। फिस्कल डेफिसिट, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो सीएसएस या पीएमएस के लिए हैं उनको ये फाइल ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा वो देंगी, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस उनके लिए होगी। लेकिन फिस्कल डेफिसिट आपका क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट आप याद रखो, जब आप बजट बनाते हो, बजट में एक आपके होते हैं एक्सपेंडिचर्स और एक होता है रेवेन्यू। ये पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वैसे बता रहा हूँ कि बजट के अंदर एक क्या होते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ का बजट हो, एक आपका क्या होता है एक्सपेंडिचर, खर्चे, और एक होता है आपका रेवेन्यू, जो पैसे आप कमाते हो, ठीक है। रेवेन्यू और खर्चे, उनके दरमियान का जो आपका डेफिसिट, उनके दरमियान का जो खसारा होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फॉर एग्जांपल क्या है कि मेरे पास रेवेन्यू है 100 रुपया और मैंने जो खर्चा किया है वो मैंने कितना किया है, वो मैंने किया है 120 का, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया, 20 रुपये का, कि मैंने 20 रुपया डेफिसिट में चला गया, मेरे पास 20 रुपया मुझे कहीं से उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने 80 रुपया खर्च किया है तो 20 रुपया जो होगा वो मेरा सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है डेफिसिट और सरप्लस, कि आपका रेवेन्यू और जो आपका एक्सपेंडिचर्स है उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको आप फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस कहोगे। पाकिस्तान कभी भी सरप्लस में नहीं हुआ, हमेशा डेफिसिट में होता है, कि हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं और हम रेवेन्यू हमेशा कम जनरेट करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में ये पता होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, ये डाटा आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स कितनी की है, 21 बिलियन की, और इंपोर्ट पाकिस्तान ने 43.7 बिलियन की है। तो इनके दरमियान, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो आपका फर्क होता है उसको डेफिसिट या सरप्लस कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट आप यहां से निकाल भी सकते हो, 43.7 में से 21 को जब आप निकाल दोगे तो आपका अराउंड 22 बिलियन के करीब ये बनेगा, तो ये आपका ट्रेड डेफिसिट है। एफडीआई क्या होता है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है आपका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जितनी आप, जैसे आजकल न्यूज आ रही है कि शेल कंपनी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, जब शेल कंपनी पाकिस्तान में आई थी तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आई थी डॉलर्स के अंदर। कोई भी
कंपनी जो है वो पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट करती है उसको क्या कहते हैं, उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट ओपन होता है तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो $1 बिलियन की हुई। कितनी हुई? $1 बिलियन की हुई, ठीक है। रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज क्या होती है जी आपकी? रेमिटेंसेज जिसे जरे मुबादला कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई, जो हमारे लोग पाकिस्तानी भाई बहनें जो बाहर डायस्पोरा जिसको कहते हैं, जो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया वहां काम करते हैं, और वहां से जो पैसे अपने यहाँ फैमिलीज को भेजते हैं उनको रेमिटेंसेस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं जी? उनको रेमिटेंसेस कहते हैं। वो रेमिटेंसेस कितनी है जी? 25.5 बिलियन जुलाई से लेकर मार्च। ये सारा इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, ठीक है, उसके अंदर जो डाटा है वो बता रहा हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है पाकिस्तान का, ये क्या होता है? ये डॉलर्स के अंदर पाकिस्तान की जितना सारा ये एक हो गया बजट। करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर पाकिस्तान का ओवरऑल सारा सिस्टम आ जाता है कि आपने कितनी ट्रेड बाहर की है, कितना पैसा आपने, कितना कर्ज देना है, तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, ये उस लिहाज से करंट अकाउंट डेफिसिट उसको देखा जाता है। अब आ जाता है ये पब्लिक डेट, जो कि पीपीएससी बार बार पूछता है, पब्लिक डेट, एक्सटर्नल डेट और डोमेस्टिक डेट। पब्लिक डेट होता है पाकिस्तान का टोटल कर्जा। पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है वो कितना है जी? 60,000 अरब हम कह देते हैं, 59 है, तो हम इसको 60,000 कह देते हैं, ठीक है। 60,000 अरब जो है वो पाकिस्तान का कर्जा है जी। अब वो जो पब्लिक डेट है उसमें दो तरह के डेट होते हैं, एक है एक्सटर्नल डेट और एक है डोमेस्टिक डेट। एक्सटर्नल डेट है उसको हमेशा आप डॉलर्स की टर्म में लोगे, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तान बाहर से लेता है। वो है जी 85.2 बिलियन जो पाकिस्तान ने बाहर से कर्जा लिया है। वो कितना कर्जा है? हमेशा एक्सटर्नल डेट याद रख लो, ये एक्सटर्नल डेट हमेशा जो है वो आपका किसके अंदर होगा? एक्सटर्नल डेट आपका हमेशा डॉलर्स के अंदर होगा। और डोमेस्टिक डेट जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं उनसे कर्जा लेती है, ये पैसों के अंदर होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डोमेस्टिक डेट, ठीक है, ये पाकिस्तान का। और इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो फिर पाकिस्तान का टोटल कर्जा बनता है, जो कि 60,000 अरब है पाकिस्तान का, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। और डेट टू जीडीपी रेशियो ये अराउंड 70% बनती है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपका बीच में मेंशन किया हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये जारी करता है, तो वो जब अभी जून खत्म हो जाएगा तो उसमें दोबारा एक फिगर आएगी, तो वो मैं करंट अफेयर्स में आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा। तो अभी आप याद रख सकते हो कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? 341 बिलियन। उसका जो 70% है वो पाकिस्तान क्या है? वो पाकिस्तान ने कर्जा लिया हुआ है। वो पाकिस्तान ने क्या है? डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? वो 70% है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो ये देख लीजिएगा, 30, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका, बार बार सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर दो चीजें होती हैं। मैंने लास्ट टाइम जब बजट पढ़ाया था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि दो चीजें हैं, एक आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है और एक आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या फर्क है? बताएं जरा मुझे। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में भी अगर कोई जो नए हैं उनको भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि उनको ये पता होना चाहिए कुछ ना कुछ चीजें, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है आपकी, और आपका अल्लाह भला करे जो क्या कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो तो मैं तो बताने के लिए बैठा ही हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी और जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। किसी को भी याद नहीं होगा। फिस्कल पॉलिसी जो है आपकी, ये सवाल है जी पीपीएससी का, ये मैंने लास्ट टाइम 2022 के जब जून के करंट अफेयर्स करवाए थे, मैंने उसके अंदर आप लोगों को ये बताया था। फिस्कल पॉलिसी आपकी जो बजट होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है जो आज हम पढ़ रहे हैं बजट, ये आपकी जो है वो जो बजट है आपका, ये आपकी कौमी असम्बली जो है, आपके लेजिस्लेचर जो है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी देती है, आपकी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी देती है, ठीक हो गया। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी, मॉनेटरी पॉलिसी वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है। वो क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और इसके थ्रू इन्फ्लेशन, जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन का डाटा, इन्फ्लेशन और पॉलिसी रेट, ये दोनों आपका मॉनेटरी उसके अंदर आता है, ठीक हो गया। बिल्कुल, ये जो टैक्स पॉलिसीज, जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है, ये आपका बजट होता है, याद रख लो, और बजट हमेशा गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें इन्फ्लेशन होती है, जिसमें आपका ये इंटरेस्ट रेट होता है, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है, ठीक है। तो
इस टाइम पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है जिसको पॉलिसी रेट कहा जाता है वो 21% है। वो क्या है आपका 21% है, तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट किया अभी तक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको थोड़ा सा देखना हो तो देख लीजिएगा कि इतना पाकिस्तान ने टैक्स कलेक्ट किया। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर दो तीन और चीजें थी, हमने जीडीपी ग्रोथ देख ली, ये सवाल लाजमी पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी कितनी थी जी? नेगेटिव थी। पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं की, -2.9% नेगेटिव ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर है वो 1.5% है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, चारों पांचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो आपका एजुकेशन हो गया, ये सर्विस सेक्टर जिसके जिसमें सर्विसेज आपकी डिफरेंट होती हैं, वो 0.8% ग्रो की है। तो अगर ये भूल भी जाओ तो एक चीज याद रख लेना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ की है। याद रख लो कि अगर कुछ भूल भी जाओ तो याद रख लेना कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्या हुआ है, उसने ग्रो नहीं किया, वो उसने नेगेटिव के अंदर उसकी ग्रोथ गई है। अभी एफडीआई का मैंने आप लोगों को बताया, तो इसमें एक सवाल याद रख लेना, ये लास्ट टाइम भी एफपीएससी में पूछा गया था कि पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से मुल्क से आई है, तो इस दफा जो आई है वो चाइना की तरफ से आई है। तो ये सवाल करंट अफेयर्स के हवाले से याद रख लेना। ये जो इसमें लिखा हुआ है इतने डॉलर्स आए हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रख लो कि किसकी मुल्क की तरफ से आई है, चाइना, फिर जापान सेकंड है, स्विट्जरलैंड थर्ड है। तो ये आप लोग इसको देख लोगे, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। यहां तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। अगर कोई टर्म समझ नहीं आई, कोई चीज क्वेश्चन है, वो अभी मुझे साथ साथ बता दो, ठीक है, ताकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको इश्यू नहीं होगा। अगर कोई नया है, किसी को कोई टर्म समझ नहीं आ रही, इन्फ्लेशन की समझ नहीं आ रही, इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई जो आपकी होती है, ठीक है, कोई टर्म की समझ नहीं आ रही, कोई मसला आ रहा है, तो वो मैं यहाँ तक बता दूंगा। ये इकोनॉमिक सर्वे यहाँ तक था आपका, ठीक है। ये पीडीएफ इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, ये पीडीएफ इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप फिर लेक्चर के साथ इसको बाद में वैसे भी गो थ्रू कर सकते हो, सारी जिंदगी ये आप लोगों के पास रहेगी पीडीएफ, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी का कोई मसला होगा तो वो मुझे बता सकता है, उसके बाद हम आएंगे। ये मैंने वो अटैच भी कर दिया है साथ इकोनॉमिक सर्वे, ताकि आपको ये पूरी हाईलाइट्स इसकी देखनी ना पड़े। ये देखें, ये पूरी पीडीएफ, अगर किसी को ये पीडीएफ भी चाहिए हो ना तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको ये दे दूंगा। लेकिन अगर मुझसे मतलब मुझसे मैसेज करोगे या चाहिए होगी, वैसे आप लिखोगे ना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पीडीएफ, तो ये आपको गूगल के ऊपर पहली पहली पीडीएफ ये मिल जाएगी। 44 पेजेस की है, अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो वो इसको पढ़ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें फिशिंग का बताया हुआ है, ये देखें कि फिशिंग का जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर 1.3% वो है, फॉरेस्ट्री का इतना है और लाइव स्टॉक का इतना है। तो इसके बारे में इतना अगर किसी को शौक डिटेल में पढ़ने का शौक है तो वो इसको पढ़ सकता है। ये राइस के बारे में है, ये सारी चीजें, तो इसमें डिटेल के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको देख लीजिएगा, ये रियल जीडीपी की ग्रोथ आप लोगों को मैंने बता दिया, 0.2% है। इन्वेस्टमेंट 13.6% है। पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें वही है, मैंने वैसे ही एक तस्वीर ऐड की है ताकि जरा थोड़ा सा प्यारा लग जाए आप लोगों को। यहां तक जो सवाल है वो आप लोग पूछ लेना, मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बजट के ऊपर। बजट क्या है आपकी? फिस्कल, फिस्कल पॉलिसी जो कि आपकी गवर्नमेंट तय करेगी। और यहाँ एक और चीज याद रख लो, ठीक है, यहाँ एक और चीज याद रख लो फिस्कल पॉलिसी के हवाले से, फिस्कल पॉलिसी के हवाले से एक और चीज याद रख लो, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी के हवाले से एक और चीज याद रख लो, वो क्या है कि फिस्कल जो पॉलिसी है ये बेसिकली क्या होता है, आपका बजट होता है। ये बेसिकली आपका क्या है जी? बजट है। अब बजट के हवाले से अब एक चीज आपने क्या याद रखनी है, बजट के अंदर प्रपोजल्स होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं। बजट की जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे, आप देखें ना, आपने देखा होगा मिनी बजट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रपोजल दिए जाते हैं, एस्टीमेट दिए जाते हैं, तो वो हम एस्टीमेट या प्रपोजल जो दिए गए हैं वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। एक तो जो पाकिस्तान का जो बजट ये पेश किया गया 9 जून 2023 को पेश किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको करंट अफेयर्स में भी पूछा जाएगा सवाल, तो आप लोगों ने इसको लाजमी याद रख लेना है कि बजट और आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है ये दोनों की डेट सेम है। लास्ट टाइम जो बजट था आप लोगों को याद होगा, अगर किसी को नहीं याद तो वो करंट अफेयर्स पेलिकन इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में जाए, वहां आपको 2022 के करंट अफेयर्स के सारे लेक्चर्स हैं। वहां बजट का एक ऊपर एक घंटे का लेक्चर है, आप उसको देखो और फिर यहां आके इसका कंपैरिजन कर लो, तो आप लोगों का वो भी काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। लास्ट टाइम जो बजट था वो आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन था, 9 खरब रुपए के करीब था, मुझे इतना याद है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद। इस टाइम पाकिस्तान का जो अब बजट आया है वो है 14.5 ट्रिलियन, 14.5 खरब का पाकिस्तान का जो बजट आया है। ये साइज आपने याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद ज्यादा रखने वाली, समझाऊंगा सारी चीजें इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं, जो ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने लाजमी करना है। अब पहले जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया 0.29, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोग मेरे जैसे भी हो सकते हैं, उनको समझ ना आ रही हो कि ये जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा क्यों आ रही।
ये 6.1% थी 2022-2023 की, सॉरी 2021 से लेकर 2022 तक जो खत्म हुआ जून तक, ये उसकी ग्रोथ थी, ठीक है। ये 0.29% है जुलाई 2022 से लेकर अब जून 2023 तक की ग्रोथ, ठीक है। ये क्या है, ये 0.29% जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक, ये जो अभी मई तक, ये इस टाइम तक की ग्रोथ है 0.29%। अब ये क्या है, मैंने बताया ये एस्टीमेट है। अब अगले साल ये 2023 जो पूरा चलना है और 2024 जो आना है, उसकी जो पाकिस्तान ने अपनी ग्रोथ टारगेट रखा है वो कितना है, 3.5%। मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के अंदर बताता रहता हूं कि IMF ने पाकिस्तान की ग्रोथ का एस्टीमेट इतना कर दिया, 2.8% कर दिया पूरी दुनिया का, पाकिस्तान का 0.2 कर दिया, माइनस में कर दिया। तो ये वो एस्टीमेट होते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी ग्रोथ का एस्टीमेट कितना लगाया है, ये टारगेट रखा है 3.5%, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। हाँ, 9.5% इसने, महबूब ने बताया ट्रिलियन। अच्छा, तो ये है आपका कि टारगेट कितना है GDP, पिछले साल की ग्रोथ कितनी है 0.29%, और GDP ग्रोथ का टारगेट कितना है 3.5%। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, आप लोगों ने याद रखनी। अब 14.5 trillion का तो हमारा बजट है। अब इसमें अब देखो, फिर वही बजट बन गया। अब इस बजट में हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, खर्चे, और रेवेन्यू होगा हमारा, ये कितना रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना है और कितने हमारे जो है वो एक्सपेंडिचर्स होंगे, और उनके दरमियान जो डेफिसिट आएगा वो फिर हम कर्जे लेके पूरा करेंगे, और कर्जे वापस भी कर रहे हैं वो भी हमने बजट के अंदर रखा होगा। तो हमने कोई 7 trillion, आधा जो हमारा बजट है वो डेट सर्विसिंग, कर्जे वापस करने में कितना चला जाएगा जी, 7,000 अरब, ठीक है, 7,000 अरब जो है, 7 trillion हमारे पास जो है वो कहाँ चले जाएंगे, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50% जो है आपका बजट वो कर्जे वापस करने में चला जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद डिफेंस के लिए कितने रखे हैं पैसे, लास्ट टाइम पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में 1.5 trillion रखे थे, 1500 अरब था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे साथ साथ करेक्ट कर लेना, बल्कि अगर कोई आप में से है वो साथ पुराना बजट उसको रख ले साथ, तो रिवाइज भी होता जाएगा, आप लोग कमेंट्स करते जाओगे तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 1500 अरब के करीब जो है वो डिफेंस के लिए रखा था, डिफेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस, एजुकेशन, ये सारे वो है जो इंपॉर्टेंट पूछे जा चुके हैं, ये इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, आप लोगों ने लाजमी इसको देखना है। तो इस दफा बड़ी है, 1800 अरब जो है वो हमने डिफेंस के लिए रखे हैं, और ये हमारी GDP का कितने बनता है, 1.7%, ये भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। तो 1.8 trillion या 1800 अरब जो है वो पाकिस्तान ने किसके लिए रखे हैं, अपने डिफेंस के लिए रखे हैं। फिर होता है ये PSDP, इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी इसके जो मतलब है वो भी एक दफा एग्जाम में पूछा गया था कि PSDP स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, जो आपके डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो बजट होते हैं, जो आपकी सड़कें बननी होती हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारा आपका इसके अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो वो आपके पास कितना बजट रखा गया है, 1150 रुपए जो है, 1150 रुपए कह रहा हूँ बिलियन, ठीक है, 1150 billion जो है वो उसके अंदर रखा गया है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। उसके बाद अच्छा एक चीज याद रख लो, ये जो PSDP का बजट होता है ना, इसके अंदर आपका क्लाइमेट चेंज का भी इसके अंदर होता है, आपकी एजुकेशन का भी इसके अंदर होता है, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है ये भी इसके अंदर है, ठीक है, ये सारी उसकी सब मतलब उसके अंदर ये आते हैं ये बजट। तो ये लेकिन क्योंकि अलग-अलग पूछ लिए जाते हैं, तो ये मैंने कहा आप लोगों को मेंशन कर दूं। क्लाइमेट चेंज आप लोगों को ने देख लेना, 4 अरब रुपए रखे हैं, 4,000 million का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 4 billion rupees क्लाइमेट चेंज के लिए रखे हैं। उसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का, फेडरल रेवेन्यू, हमने 14.5 trillion का बजट बनाया है, और हमने रेवेन्यू क्या है, सॉरी क्या कहते हैं, ये तो फेडरल रेवेन्यू ये है हमारे पास, सॉरी ये नीचे है, ये हमने रेवेन्यू कितना अपना टारगेट रखा है, हमने रेवेन्यू का टारगेट रखा है 9.2 trillion। ये ग्रॉस है ना, ग्रॉस का मतलब क्या है, ग्रॉस का मतलब ये है कि उसमें वो टैक्स और सारी चीजें ऐड है, जो बेसिक आपने टारगेट याद रखना है वो है 9.2, ये ऊपर वाला याद नहीं रखना, 9.2 trillion जो है पाकिस्तान ने क्या है जी, FDR का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा है, कि पाकिस्तान ने 9.4 trillion रुपए जो है ये हमने रेवेन्यू से इकट्ठे करने हैं। अब 14.5 trillion का बजट है, 9.2 trillion हमने कहां से इकट्ठे करने हैं, FBR रेवेन्यू से, बाकी जो बच गया वो हमारा क्या होगा जी, डेफिसिट होगा। तो बजट डेफिसिट हमारा कितना बन गया, ये 6923 billion,
ये हमारा बजट डेफिसिट बन गया, उसमें से हमने इसको निकाल दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया, बजट डेफिसिट बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास बजट डेफिसिट बन गया। तो ये आप लोगों ने बजट डेफिसिट भी याद रख लेना, ये आपको पता होनी चाहिए टर्म्स के, बजट डेफिसिट बार बार बता रहा हूँ क्या होता है। उसके बाद एनएफसी अवार्ड, ये पैसे होते हैं जो कि सूबों ने, सूबों को देने होते हैं विफाक ने, ठीक है। उसके लिए 5276 बिलियन रुपीज जो है वो प्रोविंसेस के लिए, जिसको एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने डिटेल में एनएफसी अवार्ड के बारे में बताया था। अगर किसी ने क्या कहते हैं एनएफसी अवार्ड के बारे में उसको नहीं पता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर चैनल से देख सकता है। तो उसके अंदर ये एनएफसी अवार्ड मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को कि जो सूबों को पैसे देने होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का होता है, तो एनएफसी अवार्ड जो है उसके लिए बजट में कितने पैसे रखे गए हैं, 5276 बिलियन, ये प्रोविंसेस के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये उसके लिए रखे गए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट, अभी रिसेंटली इसका सवाल भी पूछा गया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट का 2008 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ। अभी रिसेंटली पीपीएससी ने सवाल पूछा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ, तो 2008 में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इसको शुरू किया था। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए जो है वो आपके 400 बिलियन, ठीक है, उसके लिए कितने हैं जी, सॉरी 450 बिलियन, ये 400 बिलियन जो है ये पिछली दफा थे। तो अगली इस दफा के हैं 450 बिलियन जो है वो प्रपोज इसके लिए रखे गए हैं कि 450 अरब जो है वो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए हम वो देंगे। बजट डेफिसिट ये आप लोगों को ऊपर इसका बता दिया बजट डेफिसिट का, तो अप्रोक्सीमेटली ये 7% बनता है या 6.5, ये दोनों इसको आप लोग देख लीजिएगा 6.5। एक दो जगह पे मैंने न्यू डॉन में देखा था वहाँ 7% भी था, क्योंकि वो 6.5 है तो वो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये आपका बजट डेफिसिट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 हैं, कल हमने देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके लिए 90 बिलियन रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट के हवाले से तो पूछा जा सकता है। SDGs पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं जी, 17। मिनिमम वेज 32 के, ये करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ, वो पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अब बजट के अंदर फेडरल लेवल पे भी जो मिनिमम तनख्वाह है, मिनिमम तनख्वाह मजदूर की, वो कितनी कर दी है, 32,000। तो इस ये भी आप लोगों ने इसको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्फ्लेशन का टारगेट 21%, पिछले साल इन्फ्लेशन आई कितनी है 28.2%, और अगले साल के लिए टारगेट कितना रखा गया है जी, 21% का टारगेट रखा गया है। कितना टारगेट रखा गया है जी, 21% का इसका टारगेट रखा गया है। एजुकेशन के लिए 97 बिलियन रखे गए हैं, 97 बिलियन में से 60 अरब जो है वो HEC को दिए गए हैं। ये HEC का सवाल PPSC ने पूछा था, तो मैं हमेशा एजुकेशन का जो 97 है उसमें से कितना जाता है, 60% HEC के जाता है। अब यहाँ एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स आप लोग नए भी हो गए, काफी सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज पता होगी। हमारे एक बड़ी बहस चलती है कि डिफेंस का बजट, आप में से कोई कहेंगे सर सिर्फ क्या कहते हैं 97 बिलियन एजुकेशन को दिया है, और डिफेंस के लिए आप देखें ना हमारे पास 1800 अरब रुपए हमें डिफेंस में दे दिया। तो एक चीज याद रख लो, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ो, जो लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम हुई, 18वीं तरमीम के तहत जो एजुकेशन है, जो क्लाइमेट है, जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये सूबों के पास चले गए हैं। तो विफाक के पास अपनी जो एक इस्लामाबाद है उसके लिए जो एजुकेशन है या HEC है उसके लिए इतना ही बजट मिनिमम होता है, ठीक है। तो बाकी जो एजुकेशन आपका बजट होता है वो आपके जो सूबाई बजट आते हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हमेशा ये एक चीज चलती है कि डिफेंस, ऑफकोर्स हमारा डिफेंस बजट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक कंपेरिजन आता है कि देखिए जी 90 अरब है और वहां 1800 अरब है, तो 90 अरब नहीं है ये, 97 अरब सिर्फ विफाक का है। जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, ये सारे आपके सूबों के पास चले गए हैं। तो सूबे जो है वो उनका बजट जो है वो सूबे देंगे, पंजाब का बजट अलहदा होगा, ये सारा सिस्टम। अच्छा, एक ये चीज मुझे अच्छी लगी थी, इसको देख लेना, कि डायमंड कार्ड इशू किए जाएंगे। ये जो रेमिटेंसेस का मैंने आपको बताया था ना, कि जो बाहर के मुल्क से $50,000 से ज्यादा पाकिस्तान में भेजेगा तो उसके लिए एक डायमंड कार्ड होगा। डायमंड कार्ड के अंदर उनको पासपोर्ट के हवाले से वो सहूलियात दी गई हैं, अकाउंट्स के हवाले से और सहूलियात दी गई हैं, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के हवाले से। तो ये सहूलतें, ये मुझे एक अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये करंट अफेयर्स में ये पता होना चाहिए, मैं भी कभी पूछ लें कि रेमिटेंसेस के हवाले से पाकिस्तान ने, किस मुल्क ने अगर डायमंड कार्ड इशू किया है अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, तो वो पाकिस्तान है तो उन्होंने डायमंड कार्ड एक इशू किया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फ्लेशन कभी भी वैसे कम नहीं हुई, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो सकती है, इन्फ्लेशन कम हो सकती है, क्योंकि थोड़े से अगर पाकिस्तान की अभी IMF से डील हो जाती है, और अभी इस टाइम पे, अगर इसी टाइम पे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान 50 रुपए पेट्रोल के ऊपर लेवी ले रहा है, लेवी ये एक एग्जाम का सवाल है कि लेवी टैक्स क्या है, पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, उसको लेवी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, लेवी कहते हैं।
ये जो पेट्रोलियम लेवी है ना, पाकिस्तान 50 रुपये ले रहा है अपना रेवेन्यू टारगेट। ये जो रेवेन्यू टारगेट है ना, ये देखो ये रेवेन्यू अगले साल जो हमारा 9.2 ट्रिलियन, तो ये जो हम टैक्स इकट्ठे करते हैं इसमें ये लेवी सेल टैक्स ये सारे जीएसटी वगैरह ये इसके अंदर आते हैं। तो रेवेन्यू टारगेट पूरे करने के लिए 50 रुपये पाकिस्तान ने पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, जिसे लेवी कहते हैं। अगर इस टाइम पाकिस्तान वो लेवी हटा दे जो इमरान खान साहब करके गए थे, कि उन्होंने सारे टैक्स हटा के और जो पेट्रोलियम की कीमतें पेट्रोल की कीमत कम कर दी थी, तो आपका पेट्रोल इस टाइम 200 से भी नीचे आ जाएगा। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो बाकी चीज़ें आप लोगों की सस्ती हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल, ये मैंने ऊपर ये मैंने बताया भी था इसके अंदर ना, कहीं लिखा होगा हाईलाइट्स के अंदर ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ एक ये ऊपर ये देखें, ये ग्लोबल इन्फ्लेशन आप चेक करें कि ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, ठीक है। जो ग्रोथ थी जीडीपी की वो भी अगर आप इसको पढ़ें ना, ये इस चीज को ग्लोबल इन्फ्लेशन देखें, हमें काफी दफा कहा जाता है, आप लोग क्योंकि स्टूडेंट हो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये देखो 4.7% थी 2021 में पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन, और अब 2022 में मतलब डबल हुई है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में भी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो जीडीपी ग्रोथ थी, वो भी कम हुई है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ 2. क्या कहते हैं, 3.4% थी 2022 में, फिर 2.8% हुई है। तो ये पूरी दुनिया में एक इकोनॉमी के ऊपर हमारे ज्यादा हालात खराब हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हमारे मसले नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया का भी एक इफेक्ट है। तो ये इसमें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये चीज बताई गई है कि पूरी दुनिया में जीडीपी ग्रोथ कितनी कम हुई है और हमारे पास कितनी कम हुई है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं उसके अंदर, तो आप लोग चाहो तो ये देख सकते हो। अच्छा जी, ये एक पिक्चर है, इसको आप लोग देख लेना। इसमें सारी वही चीजें हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, डेट सर्विसिंग के लिए, ये आप वैसे ही डिफेंस के लिए जो सारी चीजें हैं, ये मैंने डॉन से पिक्चर ली थी, तो ये आप लोग इसको देख सकते हो अगर आप लोगों ने देखना हो कि ये आपके पास ये पीएसडीपी हो गया, ये सारी चीजें। अच्छा जी, ये आप लोगों का यहां तक मुझे एक दफा बता दो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्लियर हो गया, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कुछ चीज समझ आई है? ग्रुप्स में कोई पीडीएफ शेयर नहीं होगी। मैं आप लोग अगर इतना काम नहीं कर सकते आप लोग, तो मैंने अभी भी कहा था, आप अभी देखो ना, आप लोगों ने इस दफा भी वही किया। अब आप लोगों को हर दफा मैं कहूँ कि यार कम से कम लाइक कर दिया करो वीडियो को, आप लोग तो ये काम नहीं करते। इतना वो नहीं कहते कि सर अच्छा पीडीएफ हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसके ऊपर सारी पीडीएफ के ऊपर अब पैसे लगा दें, मैं भी रेवेन्यू जनरेट करूंगा। आप लोग जो है ना सीरियस नहीं लेते, वो कहते हैं यार अच्छा फ्री की चीजें, कोई नहीं करेंगे इसका भी कुछ। मुझे दो तीन आए हैं इस तरह के सजेशंस के, सर आप लोग ना अच्छी हरकतें नहीं कर रहे। अच्छा ये डाटा आपका पुराना है, ये बस इसके अंदर दोबारा ऐड किया कि लेबर सर्वे जो है, कि अभी आपका जो डिजिटल सेंसस हो रहा है मर्दमशुमारी, उसके बाद ये लेबर सर्वे नया आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये पहले ये जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, ये सारा डाटा वही है। तो इसको आप लोग अगेन आप लोगों का गो थ्रू हो जाएगा कि पाकिस्तान में टॉप अनएम्प्लॉयड कितने हैं, ठीक है, टोटल आपका लेबर ये कितना है। थोड़ा सा इसमें याद आप लोगों ने क्या करनी है, आपने इसमें याद करना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3%, ये आपने याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादा पूछ लिया जाए, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने याद रखना है 6.3%, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये आप लोगों ने याद रख लेना है 6.3%, मेल्स के अंदर कम है और फीमेल्स के अंदर 8.9% है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से सबसे ज्यादा किस प्रोविंस में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो केपी हाईएस्ट है पाकिस्तान में ओवरऑल 6.3%। ये सारा डाटा पहले करवाया हुआ है, ओल्ड है, लेकिन आप लोगों को दोबारा अब आए हैं तो रिविजन हो जाएगी आप लोगों के। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिंध के अंदर है, ठीक है, 6.3% सिंध के अंदर। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादातर लोग सिंध के अंदर जाते हैं आप, तो इसलिए सिंध के अंदर सबसे लीस्ट है 3.9%। अनएम्प्लॉयमेंट बाय सेक्टर अगर देखें तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के अंदर है, फिर सर्विसेज के अंदर है, फिर इंडस्ट्रीज के अंदर है। ये एग्रीकल्चर वाला जो है ये एफपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाया था लास्ट टाइम, तब भी बताया था कि इसको याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद लिटरेसी रेट के हवाले से, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 63% है अप्रॉक्सीमेटली, या अगर हम कहें 62.8% है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इस दफा जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें भी यही लिटरेसी रेट को कोट किया गया है, यही डाटा को कोट किया गया है। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पंजाब का है 66.3%, याद रखना है। सबसे कम किसका है, सबसे कम है जी आपका बलोचिस्तान का 54.5%, ये लीस्ट है, और पंजाब सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका सिंध है 62% अप्रॉक्सीमेटली,
और केपी है 55.1%। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही हैं, अगेन आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी, आप लोगों का ये रिवाइज हो जाएगा। लिटरेसी बाय एरिया, ये तो पता है कि शहरों के अंदर लिटरेसी ज्यादा होती है, अर्बन एरियाज में 77% है, और रूरल एरियाज जो देहाती एरिया है वहाँ 54% है। वहाँ कितने हैं जी, 54% है। और लिटरेसी रेट बाय जेंडर, ये बस लास्ट है, उसके बाद बस ये आप लोगों की 7 पेजेस की मैंने PDF ये बनी थी, जिसमें इस असल में ये लेक्चर मुश्किल नहीं था, इसको बनाने में था, इसका डाटा बार बार क्रॉस वेरीफाई करना, जुबैर ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, फिर मुझे उसको भी दोबारा अगेन चेक करना, तो इसलिए ना इसको ऊपर ये लेक्चर है सच वो इतना कोई नहीं था, लेकिन इसकी PDF के ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। तो जो मेल है लिटरेसी रेट के हवाले से अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट मेल्स के अंदर ज़्यादा है 73.4%, ये भी 2023 का PPSC का सवाल है। और फीमेल्स वाला जो है ये भी FPSC में पूछा जा चुका है कि 52% फीमेल्स का लिटरेसी रेट कितना है जी, 52% है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे, ठीक है। तो ये इसीलिए एक PDF में कर दिए हैं ताकि अगेन आप लोगों को इसके अंदर कोई इसका मसला ना आए। यहाँ तक मुझे बताओ क्लियर है? अगर कोई बाद में भी देखेगा या किसी को अभी समझ नहीं भी आ रही तो वो बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो बाद में भी आएंगे, जो अभी भी अगर देख रहे हैं, अगर आप लोगों का दिल करे तो लाजमी इसको लाइक कर दीजिएगा, अल्लाह के बंदो और अल्लाह की बंदियों। और दूसरी तीसरी चीज़ ये कि कल आप लोगों का लेक्चर हुआ तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा, कल संडे है, परसों मेरा पेपर है, तो इसलिए शायद मैं परसों लेक्चर ना लूँ, तो मेरा इरादा है मैं कल लेक्चर लूँ। और वो मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर 2021 के जो करंट अफेयर्स का आप लोगों ने आपने कहा था तो वो लेक्चर एक दफ़ा दे दें, वो कुछ 60-70 MCQs हैं इंपॉर्टेंट, मैं कंपाइल कर लूँगा, तो उसको हम कल 2021 के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेंगे अगर लेक्चर हुआ। अगर कल नहीं हुआ तो फिर मैं परसों देखूंगा किस तरह से। और ये करंट अफेयर्स का हो जाएगा अगर 2021 का, तो उसके बाद फिर हम डेली 30 से 40 MCQs, 30-40 ज़्यादा हो जाएंगे, 30 MCQs, 30 मिनट और 30 MCQs को हम इंशाल्लाह डेली डिस्कस किया करेंगे, ताकि और वो होंगे इंपॉर्टेंट, और या जो आज तक हमने नहीं किए होंगे या PPSC उसको नए MCQs जो आते हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक हो गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारी चीजें? अभी भी मैं अवेलेबल हूं, 1-2 मिनट आप लोगों का वेट कर, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई टर्म समझ नहीं आ रही, ठीक है, मैंने कोशिश की है, इन्फ्लेशन जैसे बता दिया, डेफिसिट का बता दिया आप लोगों को, ठीक है, रेमिटेंसेस का बता दिया, ज़र मुबादला था, FDI था, ट्रेड डेफिसिट था। हाँ, अगर किसी को अभी भी समझ ना आ रही हो तो आप लोग क्या करोगे, मैं आप लोगों को यहाँ बल्कि एक दफ़ा ओपन करके वो बता देता हूँ, आप लोग जाओगे, बल्कि रहने दो ओपन, आप लोग जाओगे YouTube के ऊपर, पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज, वहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे, 2022 करंट अफेयर्स में जाओगे, और मंथ वाइज नीचे आओगे तो एक लेक्चर मिलेगा आपको जून का, उसके ऊपर लिखा होगा बजट एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, वो आधा घंटा घंटे का लेक्चर है, उसको डिटेल में एक दफ़ा देख लोगे तो आपके सारे सवाल, सारे मसले मसाइल ओके हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि लाजमी उस लेक्चर को देखना, उस लेक्चर को लाजमी आप लोगों ने देखना है, वो आप लोगों को बहुत, वो लेक्चर जो है ना वो हेल्पफुल, वो हेल्प करेगा आप लोगों के, जो जून 2022 का वो लेक्चर है आप लोगों का, ठीक है, जून 2022 प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ वो आपको आराम से वो लेक्चर आपका मिल जाएगा, और उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, रिविजन हो जाएगी आप लोगों की, आपको एक पहले उसको देख लेना, और उसमें मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है, यहाँ भी मैंने कोशिश किया लेकिन वहाँ मैंने और ज़्यादा डिटेल में बताई हुई हैं चीज़ें, तो उसको एक दफ़ा देख लेना। सबको मैं रिकमेंड करूँगा, कल संडे है, कल मॉर्निंग में उस लेक्चर को लाजमी देख लेना, बल्कि और उसको लाजमी देख लेना लेक्चर को, और उसके बाद कोई मसला मसाइल हुआ तो वो फिर आप लोग मुझसे पूछ लेना। और अभी बाकी इतना ही, बाकी GK डोज को लाजमी देख लिया करो, गो थ्रू, अभी मैं लिंक आज जो अपलोड की है उसका मैं लिंक आप लोगों के ग्रुप्स में अभी भेज देता हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल लाजमी कंपेयर करो ताहिर, लाजमी कंपेयर करो, खुद कंपेयर करो अपने पुराने लेक्चर, उसको खोल के नोट्स को, इसको नोट डाउन करके फिर देखो किस में कितने पैसे वो बढ़े हैं, क्योंकि वो मैंने बोर्ड के ऊपर पढ़ाया था, उसकी PDF नहीं थी, वरना मैं यहाँ कंपेयर कर लेता। तो आप लोगों ने उसको लेक्चर को वहां से देख के लाजमी इसको इंशाल्लाह कंपेयर कर लेना, ठीक है जी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होती है करंट अफेयर्स के साथ, तो अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, अल्लाह हाफिज, रब रखा।